नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त दीपक उत्तर प्रदेश यूपी मऊ के रेलवे स्टेशन से दीपक की बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि बलिया और गाजीपुर छपरा के बीच में चल रहे डबल लाइन के कार्य की वजह से कई ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है और कई ट्रेनें निरस्त कर दिया गया है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो भी ट्रेनें चलाया जा रहा है मऊ के रेलवे स्टेशन से चलाया जा रहा है, जिसका रूट चेंज किया गया है। तो दोस्तों मऊ के रेलवे स्टेशन से इस वक्त की बड़ी खबर है और बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। दोस्तों मऊ के रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन का परिचालन स्टार्ट किया जा रहा है। दोस्तों जिस ट्रेन का परिचालन स्टार्ट किया जा रहा है वो ट्रेन कब से चलाया जाएगा और दोस्तों जिस ट्रेन का परिचालन स्टार्ट हो रहा है वो ट्रेन कहाँ से कहाँ के लिए चलाया जाएगा, क्या टाइमिंग होगा मऊ के रेलवे स्टेशन से खुलने का, हफ्ते में कब कब चलाया जाएगा, और दोस्तों इस ट्रेन में आप किस टिकट से यात्रा कर सकते हैं और इसमें कौन कौन से कोच यानी कि डब्बे लगाए जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मऊ के रेलवे स्टेशन से जिस ट्रेन का परिचालन स्टार्ट होने वाला उसकी पूरी अपडेट दिया जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आता है तो फिर लाइक ठोक दीजिएगा और चैनल पर नए होते हैं लाल बटन दबा के सब्सक्राइब भी करिए ताकि हमारे रेलवे की हर छोटी छोटी और बड़ी बड़ी खबर सबसे पहले आपके स्मार्टफोन पर मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश यूपी बलिया फेफना गाजीपुर के बीच में चल रहे हैं डबल लाइन के कार्य की वजह से कुछ ट्रेनों का रूट चेंज कर दिया गया। जिन ट्रेनों का रूट चेंज किया गया दोस्तों उन ट्रेनों को मऊ के रेलवे स्टेशन चलाया जा रहा है और कुछ ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। तो दोस्तों मऊ के रेलवे स्टेशन से जिस ट्रेन का परिचालन स्टार्ट होने वाला है वो ट्रेन कौन सा है, कहाँ के लिए चलाया जाएगा और कहाँ कहाँ स्टॉपेज है, किस टिकट से यात्रा कर सकते हैं और इसमें आपको टिकट कैसे मिलेगा, दोस्तों आप सभी ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आप सभी को बता दें कि रेलवे प्रशासन द्वारा यात्री की असुविधा को देखते हुए रेलवे ने गाड़ी नंबर ध्यान सुनिएगा 05025 मऊ आनंद विहार टर्मिनल। जी हाँ दोस्तों, मऊ रेलवे स्टेशन से होकर आनंद विहार टर्मिनल यानी कि दिल्ली के रूट में जाने वाली ट्रेन साप्ताहिक विशेष गाड़ी 24 जनवरी से 2021 अगले आदेश तक प्रत्येक रविवार और मंगलवार को चलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते में रविवार और मंगलवार को मऊ के रेलवे स्टेशन चलाया जाएगा। गाड़ी नंबर आपने सुनी लिया 05025। दोस्तों आप सभी को बता दें कि मऊ के रेलवे स्टेशन खुलने का समय 10:50 प्रस्थान कर मोहम्मदाबाद आजमगढ़ होते हुए शाहगंज अकबरपुर फैजाबाद लखनऊ और कानपुर सेंट्रल अलीगढ़ तथा गाजियाबाद छूटकर आनंद विहार टर्मिनल 3 बजे पहुंचेगी। और डाउन में दोस्तों गाड़ी नंबर ध्यान सुनिएगा 05026 आनंद विहार से टर्मिनल मऊ तक, यानी कि दोस्तों आनंद विहार से मऊ तक आने वाली यह गाड़ी हफ्ते में वहां से 25 जनवरी से 2021 अगले आदेश तक प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को आनंद विहार टर्मिनल से, यानी कि दोस्तों सोमवार और शुक्रवार आनंद विहार से चलेगी। गाड़ी खुलने का समय है आनंद विहार से 1:25, गाजियाबाद, उसके बाद अलीगढ़, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, फैजाबाद, अकबरपुर, शाहगंज और आप सभी को बता दें आजमगढ़ से छूटने का आजमगढ़ 4:15 पर तथा मोहम्मदाबाद से 4:40 छूटकर मऊ 5:40 पर पहुंचेगी। इस गाड़ी की संरचना में जनरेटर सह लगेज यान के 2 साधारण तृतीय श्रेणी के 4 सामान्य श्रेणी के 7 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 6 तथा वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 2 कोच सहित कुल 21 कोच लगाए जाएंगे। तो आप सभी को बता दें दोस्तों अगर आपको मऊ से आनंद विहार टर्मिनल तक यात्रा करना है, आनंद विहार टर्मिनल से मऊ के लिए यात्रा करना है, इसमें आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं। इसलिए आप इसमें दोस्तों टिकट कैसे बुकिंग करें आप सभी को बता दें कि इसका टिकट अगर आप सभी को बुकिंग करना है तो आप ऑनलाइन आईआरसीटीसी का ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं या फिर आप जहां से भी यात्रा करना है आप अपने रेलवे के काउंटर से जाके इस टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसमें आपको यात्रा करना है कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको सोशल डिस्टेंस और नोज मास्क और फेस कवर का इस्तेमाल करना होगा तो ही आप यात्रा कर पाएंगे। अगर दोस्तों ये सब नहीं अगर आप लगाते हैं तो फिर आपको फाइन भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी का ये जानकारी कैसा लगा मऊ के रेलवे स्टेशन से अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।